अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह आप लोगों को खुश और आबाद रखे। मैं आज झटपट बिरयानी बना रही हूँ किसी की फरमाइश पे कि हमें पैकेट वाली बिरयानी बनाना सिखाए। ये स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला है, ये चटपटी है। ये हमने मटन का गोश्त लिया है, ये चर्बी वाला है। मैं ऑयल मैंने नहीं डाले, आप लोग जब गोश्त लेंगे अगर उसमें चर्बी कम हो तो 1 कप ऑयल आप डाल दें। ये इसमें लहसुन है, ये लहसुन डाल देते हैं। ये प्याज है, ये 2 बड़े प्याज है, ये डाल दिए। ये 4 अदद बड़े टमाटर हैं, ये डाल दिए। इसमें मसाला नहीं डलेगा, इसे मैं अब बंद कर दूंगी, 30 मिनट के बाद फिर खोलूंगी, फिर आपको बताऊंगी। इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया क्योंकि गोश्त सख्त है ना, आप लोग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से पानी डाल दें कि किस उस पर गोश्त गलता है उस हिसाब से। ठीक है, मैं इसे अब बंद करती हूँ, 1/2 घंटे के बाद फिर आपसे मिलते हैं। चावलों के लिए पानी रखा है 16 गिलास, 1.5 किलो चावल है। ये इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालना है, 2, 3 ये, हाँ ये चेक कर लें नमक ज़्यादा हो गया। ये चावलों का पानी है बॉयल करने के लिए। ये अच्छा, ये गरम मसाला है, ये बादियान के फूल है। बाकी गरम मसाले में ये चीज़ें मिल जाएंगी, अगर आपके पास बादियान के फूल ना हो तो आप थोड़ा सा सौंफ डाल दें इसमें। इसको बॉयल करने के लिए छोड़ते हैं और थोड़ा सा ऑयल इसमें डालते हैं, 1 या 2 चम्मच ऑयल इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसे बॉयल करने के लिए छोड़ते हैं। ये कुकर से निकाल दिया हमने, अब इसमें डाल दिया। इसकी शेप इस तरह होगी, इसको अब भूनना होगा। भूनने से पहले इसमें मैंने मसाला नमक कुछ नहीं डाला था। अब ये 1 पैकेट मसाला है स्पेशल बम्बई बिरयानी, ये मसाला डालेंगे। नमक इसलिए नहीं डाला था, मैंने कहा ज़्यादा हो जाएगा ना। ये पूरा पैकेट, इस 1/2 पैकेट इसमें अभी डलेगा, 1/2 बाद में डलेगा ये जब अच्छी तरह भून जाए। अब ये भूनने पे आएगा। अब ये आलू है, ये इस तरह मैंने काट दिए, ये आलू मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये इसी के साथ भूनता रहेगा जब तक आलू पकते हैं। पूरा मसाला इसलिए नहीं डालते हैं कि फिर ओवर कुक हो जाता है ना, वो खुशबू ख़त्म हो जाती है मसाले की। एंड में डालेंगे तो मसाले की अपनी खुशबू रहेगी। अब इसको जब तक रखते हैं धीमी आंच पे, नहीं सॉरी मीडियम आंच पे रखते हैं जब तक आलू अच्छी तरह भून जाइए। अच्छा, ये बारिश हो रही है, मैं आपको बारिश दिखा रही हूँ जब तक वो बन रहा है कौरमा उसका। ये देखें ये कितनी बारिश हो रही है। ये देखिए हम छत पे खड़े हैं, शुक्र है मौसम ठंडा हो गया, बहुत बहुत खूबसूरत मौसम हो गया, बहुत ठंडा। गर्मी किचन से भाग के आई हूँ ऊपर, मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ बारिश, अगर आप लोग इंजॉय कर लें। ये इस्लामाबाद का मौसम है,
अच्छा ये हो चुका है, आप देखते हैं, ये देखें ये हो चुका है गोश्त मेरा। गोश्त ज़्यादा गल चुका था, मैंने निकाल लिया। ये आलू जब तक मैं बना इसमें पका रही हूँ, ये देखें आलू थोड़े रह गए गलने के लिए। अब इसमें मैं ये बकाया ये 4 चम्मच मैंने दही ली थी, गाढ़ी दही थी, थोड़ा पानी डाल के इसको फेंट लिया। इसमें वो जो बकाया मसाला था वो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी, अब ये इसमें मैं डाल देती हूँ। जब ये भुन जाएगा फिर इसमें वो गोश्त डाल दूँगी। वो भुन चुका है, ये सिर्फ आलूओं की वजह से आलू पके नहीं थे, गोश्त पक गया था ना। अब इसको नमक आप लोग फिर चेक कर लें, मैंने नमक चेक किया था सही है, इसका नमक बराबर है, फिर आप लोग चेक कर लेना। अब इसको पकने छोड़ देते हैं। अच्छा ये हो चुका है, ये मैंने पतीले में डाल दिया है। अब इसके ऊपर ये गार्निशिंग के लिए डालूंगी ये पुदीने और धनिया की पत्तियाँ, इसके ऊपर डालना है। ये लीमू काट के मैंने रखे थे वो डाल दिए। अब देखिए मैंने इसमें पानी रखा है क्योंकि चावल मैंने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किए, ये थोड़ा ऊपर के लिए डाल दिया। अब इसके ऊपर चावल डालूंगी मैं, एक तेल लगा रही हूँ, दम बिरयानी है ये, स्पाइसी दम बिरयानी। अब ये डाल दिए, अब इसके ऊपर चावल डालूंगी। अच्छा ये चावल बॉयल करके मैंने निकाल दिए, अब मैं इसमें ये डाल दूंगी। ये अब इसमें दम होंगे, अब ये ऊपर से थोड़ा धनिया डाल देती हूँ, पुदीना और धनिया। अब ये जर्दे का रंग है, जर्दे का रंग ज़्यादा नहीं डालेगा क्योंकि वो स्पाइसी है, नीचे मसाला भी काफ़ी है, बस थोड़ा मैंने डाल दिया। अब इसे दम पे रख देंगे, थोड़ा इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये पक जाए। अब इसे हम कपड़ा लगा के दम पे रख देते हैं 10 मिनट तक। हम 5 मिनट हम जर मीडियम आंच पे करेंगे, फिर 5 से 6-7 मिनट तक हम स्लो आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे दम पे देंगे। अब दम हो चुकी है, कम से कम 15 मिनट इसको लग गए, 6 मिनट मैंने मीडियम आंच पे रखा था, फिर बाकी स्लो आंच पे। ये देखें, ये देखें, ये हो चुकी है, इसकी खुशबू आ रही है। अब इसको निकालते हैं, ये हटा देते हैं इससे, बस खुशबू आ रही है। मैं प्लेट में निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा ये तैयार हो चुकी है, स्पाइसी बिरयानी है, खुशबू तो बड़ी आ रही है, जरा चख के देखते हैं कैसी बनी है। बहुत मजे की है, खट्टी मीठी सी है और टेस्टी है। आप लोग जब ट्राई करेंगे तो फिर आप लोगों को इसका टेस्ट का भी पता चलेगा। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।